आज के अखबार में खबर छपी है कि लगभग 200 कुछ फ्लैट जो है वो मायावती ने नोएडा में कम दर पर दिया था अपने परिवार वालों को, ये आज का रिपोर्ट है दैनिक भास्कर का। लेकिन मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में बहुत फर्क है। मायावती मास लीडर है, असदुद्दीन ओवैसी मास लीडर थोड़ी है। और मुसलमान का वोट असदुद्दीन ओवैसी को वहाँ मिलता होगा, यहाँ नहीं मिलता है। बिहार यहाँ मुसलमान का वोट कांग्रेस RJD JDU BJP को भी कुछ जाता है, यहाँ जाता है। एक चीज आप जान लीजिए कि दलित वोट का मायावती के पास मास लीडर वोट है, बिना मायावती के महागठबंधन नहीं बन पाएगा। इसको आप एकदम जो है इसको लिख करके रख। नमस्कार, मैं हूँ सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। एक तरफ महागठबंधन की बैठक होने वाली है बिहार में नीतीश जी की अध्यक्षता में, दूसरी तरफ खबर ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और मायावती की पार्टी, ये दोनों आपस में अलायंस होगा और आपस में अलायंस होकर के लोकसभा 2024 का इलेक्शन लड़ेगी। इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमसे वरिष्ठ पत्रकार सनी जी, हम बातचीत करने और जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हैं सर? ठीक है, बताइए। सर, मायावती और असदुद्दीन ओवैसी ये दोनों की एक अलग अलायंस होने वाली है और इस आधार पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो वहाँ पर तो अलायंस नहीं किए, जहाँ तक हमको याद आ रहा है शायद 20 के चुनाव में शायद अलायंस था। अभी कन्फ्यूजन है कि चंद्रशेखर से था या मायावती से था, लेकिन गठबंधन था ओवैसी का, ये दोनों पार्टी में से किसी का। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर उनको गठबंधन करना ही रहता तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में करते, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो उन्होंने नहीं किया गठबंधन। और रहा बात देश का बैठक का या जो यहाँ पर बैठक होने वाला है, तो देखिए अप्रोच दोनों तरफ से होता है। अगर मायावती के तरफ से अगर कोई बोल रहा है, इधर से कोई बोल रहा है, उधर से भी तो जवाब आना चाहिए ना। तो एक तरफ से तो अप्रोच नहीं होगा। अब मायावती का कल का आज का भी एक खबर है, आज के अखबार में खबर छपी है कि लगभग 200 कुछ फ्लैट जो है वो मायावती ने नोएडा में कम दर पर दिया था अपने परिवार वालों को, ये आज का रिपोर्ट है दैनिक भास्कर का। तो अब सोच लीजिए कि मायावती महागठबंधन के तरफ रहेंगी कि NDA के तरफ रहेंगी। अगर वो महागठबंधन के तरफ पैर जो है आगे करती हैं तो जो फ्लैट वाला रिपोर्ट है वो निकल जाएगा। अगर वो NDA के तरफ रहती हैं, चुप रहती हैं, तो जो फ्लैट वाला रिपोर्ट है वो बंद रखा रहेगा। लेकिन खबर ये आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और मायावती की पार्टी, ये दोनों आपस में अलायंस करके 2024 का इलेक्शन लड़ेंगी। लड़ सकते हैं, राजनीतिक में सब कुछ संभव है ऐसा। लेकिन मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में बहुत फर्क है। मायावती मास लीडर है, असदुद्दीन ओवैसी मास लीडर थोड़ी है। असदुद्दीन ओवैसी का जो वोट है वो ज़्यादातर हैदराबाद की 11 या 12 विधानसभा सीट पर है, उसके अलावा महाराष्ट्र में उनका एक सांसद बनकर जीता है, इसका मतलब है। लेकिन मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है 4 बार, 10% वोट है उत्तर प्रदेश का, पंजाब में उनका है, मध्य प्रदेश में वोट है, छत्तीसगढ़ में वोट है, यहाँ जहाँ आप खड़ा हैं वहाँ अपना वो कैंडिडेट उतार देंगे तो उनको 5,000 वोट आ जाएगा। मायावती मास लीडर है, तो ये संभव, आप उसको उनसे कंपेयर मत कीजिए। और मुसलमान का वोट असदुद्दीन ओवैसी को वहाँ मिलता होगा, यहाँ नहीं मिलता है। बिहार यहाँ मुसलमान का वोट कांग्रेस RJD JDU BJP को भी कुछ जाता है, यहाँ जाता है, ठीक है। और जो मास वोट है वो RJD को जाता है मुसलमानों का, देश में मास वोट कांग्रेस को जाता है मुसलमानों का। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुसलमानों का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो ओवैसी से, हाँ मुद्दा जरूर ओवैसी उठा रहे हैं लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व आज भी कांग्रेस ही कर रही है ज़्यादातर। 2024 का जो इलेक्शन होगा वो किस तरह का, कैसा पसपोंसर रहेगा? देखिए 24 के चुनाव में प्री पोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस, अभी बहुत कंट्रडिक्शन है महागठबंधन की जो पार्टियाँ हैं आपस में बहुत कंट्रडिक्ट हैं, कैसे हो पाएगा? अब जहाँ पे लड़ाई है, जैसे कि केरल में जो है ना वो कांग्रेस और लेफ्ट की लड़ाई है, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस की लड़ाई है, लेकिन जब वो बंगाल आता है तो लेफ्ट और कांग्रेस मिट जाता है और वो लड़ाई TMC से हो जाती है, समझिए बात को। यहाँ लेफ्ट कांग्रेस महागठबंधन एक साथ है, लेकिन जब केरल में जाता है तो वही लेफ्ट के सामने कांग्रेस लड़ती है, तो बहुत कंट्रडिक्शन है। अब लेफ्ट और ममता बनर्जी एक सीट पर नहीं आ सकती हैं, आने को आ सकती हैं लेकिन अभी तो राजनीति की स्थिति यही लग रहा है कि नहीं आ सकती। तो बहुत कंट्रडिक्शन है आपस में, जो पार्टियां हैं वो आपस में, उनका अपना भी तो राजनीतिक भविष्य है। अब मायावती ममता बनर्जी लेफ्ट को जोड़ेंगी तब आगे उनको बंगाल का भी तो चुनाव लड़ना है, तो अगर वो लेफ्ट को जोड़ लेती हैं तो जो लेफ्ट से वो लड़ करके आई हैं मुख्यमंत्री बनी हैं तो सवाल तो उठेगा ना, तो बहुत कंट्रडिक्शन है। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि दलित वोट का मायावती के पास मास लीडर वोट है, बिना मायावती के महागठबंधन नहीं बन पाएगा। इसको आप एकदम जो है इसको लिख करके रख लीजिए, मायावती इट इज़ कंपल्सरी फॉर अलायंस महागठबंधन।
सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर यह उत्पन्न होती है कि तमाम जो महागठबंधन की बिहार में बैठक होने वाली है, बड़े बड़े दल यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, लेकिन उसी दल के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का निकलना हो गया है। तो देखिए, जीतन राम मांझी बिहार के स्तर पर तो राजनेता नहीं है, नाम उनका जरूर जानता है, लेकिन नेता वही है जो वोट ट्रांसफर करा सके। जीतन राम मांझी लोकसभा के एक क्षेत्र गया और गया के चार विधानसभा क्षेत्र में उनकी स्थिति मजबूत है। इमामगंज सबसे मजबूत किला है उनका, महागठबंधन होने के बावजूद इमामगंज से वो जीत करके पिछले बार भी 15 में भी आए थे जब लालू और नीतीश जी एक साथ थे। तो गया के कुछ क्षेत्र में जीतन राम मांझी का है असर, इमामगंज हो गया, उसके अलावा कुछ और क्षेत्र हो गए वहाँ पर है, पूरे ओवरऑल बिहार में नहीं। अब उत्तर बिहार का जो मुसहर है वो अलग है, अब उत्तर बिहार का जो मुसहर है इनको मुसहर नहीं, इनको भैया मानता है। तो जीतन राम मांझी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करें तो इसका मतलब नहीं कि पूरा जो है मुसहर वोट जीतन राम मांझी ट्रांसफर करवाते थे। हाँ, गया के कुछ विधानसभा सीट का जरूर उनके पास वोट का पावर है, वो पूरे बिहार के मानचित्र पे नहीं है, गया के मानचित्र पे कुछ विधानसभा में उनकी पावर है। पूरा महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? देखिए, हर राजनेता महागठबंधन के लोग जाएंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। मान लीजिए कि अगर कहीं 5000 वोट से भी हारेगा, 500 भी वोट से हारेगा किसी महागठबंधन के साथी के कारण, तो हार हार ही कहलाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि व्यापक असर नहीं होगा, असर गया के क्षेत्र में, जहानाबाद के क्षेत्र में होगा, जमुई के क्षेत्र में होगा, लेकिन ओवरऑल बिहार में नहीं होगा। एक और खबर आ रही है कि हो सकता है कि 2024 से पहले ही लोकसभा इलेक्शन हो जाए। देखिए, तो नीतीश जी का बयान है कि लोकसभा का चुनाव जो है पहले हो सकता है, वो तो राजनीतिक काल्पनिक बातें हैं, लेकिन राजनीति में कल्पना नहीं चलता है, राजनीति में जो एक तरह से सच है, तथ्य है, सच है, वही चलता है। तो काल्पनिक बातें चलते रहता है, बोलते रहते हैं उसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ सन्नी जी थे, इन्होंने क्या कुछ कहा, इन तमाम चीज़ों को आपने देखा। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। कैमरामैन सोनू के साथ सैफ की रिपोर्ट, पटना।